9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में बने अवसर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। नई तबादला सूची के बाद अब प्रदेश के 33 में से 15 जिलों की कमान प्रमोटी आईएएस ऑफिसर को दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में बदलाव का ये नया रूप है। पूर्वी राजस्थान के अहम जिलों जैसे अलवर, धौलपुर और सवाई माधोपुर में प्रमोटी आईएएस अफसरों को कलेक्टर बनाया गया है। चुरू हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सवाई मधोपुर, कोटा, झुंझुनू और श्रीनगर में, बाड़मेर, झालावाड़ और प्रताप नगर में भी प्रमोटी आईएएस अफसर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्थानी जयपुर की कमान भी प्रमोटी आईएएस अफसर अंतर सिंह लहरा को सौंप दी है। दरअसल दक्षिण भारत के अहम राज्य तमिलनाडु के दो प्रमुख क्षेत्रीय दल डीएमके और अन्ना डीएमके सीधी भर्ती वाले अफसरों की बजाय राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों पर भरोसा करते रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक मंचों पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कामकाज की तारीफ करते रहे हैं। आरएएस अफसरों का जुड़ाव सीधे जनता से रहता है। राज्य सरकार को मानना है कि आरएएस अधिकारी की फील्ड की जानकारी सीधी भर्ती वाले अफसरों की बजाय ज्यादा रहती है। वो आम जन की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से करते हैं, जबकि सीधी भर्ती वाले आईएएस अफसरों को स्थानीय मुद्दे मजबूत पकड़ नहीं रह पाती। आरएएस अफसर लीग कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में ज्यादा सक्रिय रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता संभालने के करीब एक साल बाद ही राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की शक्तियों में बढ़ोतरी कर दी थी। इसके तहत एसडीएम अपने उपखंड में किसी विभाग का औचक निरीक्षण कर सकता है और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के 2 इंक्रीमेंट रोकने की अनुशंसा संबंधित विभाग के मुखिया को कर सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि गहलोत कि तमिलनाडु वाला ये पैटर्न राज्य में कितना काम करता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज़ के साथ।